सायला उपखंड क्षेत्र के सुराना ग्राम में बालक की मौत के मामले में पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्रियों ने आकर परिजनों को सांत्वना दी। वहीं उसके बाद जब पीसीसी सचिव रवाना हुए उस दौरान सतीश कोम के लोगों ने ग्रामीणों ने भी पीसीसी सचिव को निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी बताएं, जो आज आपने ज्ञापन दिया उसमें क्या मांगे रखी है? आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा साहब इधर पधारे थे सुराना में, पहले उनके प्रीत जो डेट हुई थी उनके घर पे गए थे, फिर हमारा ग्राम पूरा इधर सतीश कोम के साथ बैठे हुए थे। हमें एक ही उनका ज्ञापन में हमें एक ही रखा है मांग के उनकी निरपेक्ष जांच की जाए। और दूसरी जो ये जो मटकी की साजिश रची जा रही है बिल्कुल झूठ है, ये सब झूठ फैला रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव की ये बात ही नहीं है। पूरा सतीश कोम एक साथ में है, एक साथ में ये इधर सामने टंकी लगी हुई स्कूल में इधर ही पानी पीते, मेरे भी दो बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, एक 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, एक 4थी क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी तक मैं तो आज 20 साल से इधर स्कूल में आ रहा हूँ, 18 साल से स्कूल है, कोई आज दिन तक भेदभाव मैंने नहीं देखा है और नहीं इधर कोई मटकी देखी है। यही हमारे गाँव वाले की सबकी यही राय है, दूसरी कोई इसके ऊपर निष्पक्ष जांच जरूरी होनी चाहिए, निर्दोष इसमें कोई फंसे न जावे। ये देखो अभी इंदर की घटना हुई है, मगर ये भी हमारे को गांव वाले को दुख है कि ऐसा दोबारा किसके साथ नहीं होना चाहिए। हम भी वही मांग कर रहे हैं कि निर्दोष आदमी नहीं फंसना चाहिए, दोबारी जांच जरूरी होनी चाहिए। यही गाँव की एक ही डिमांड है और पूरा गाँव अभी तक साफ साफ उनके लिए एक ही डिमांड रख रहे हैं कि भाई शांतिपूर्ण से हमारा ये एकदम फैसला आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी। ये तो हमारे साथ ग्रामीणों ने बताया कि हमने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं जो मटके वाली बात है वो सरासर गलत है। हमने निष्पक्ष जांच के लिए पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा को एक ही मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो, हम भी उनके परिवार के सभी साथ हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सायला, जालोर। इंडिया में हमने फाइट की है, इसलिए कहीं भी हमने ये बात नहीं की ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा तो हमने कहा ये जांच अधिकारी का काम है, हम 3 तरीके से जांच करा रहे हैं, और पुलिस जांच अपनी कर रही है, विभाग अपनी जांच कर रहा है, और पार्टी दूसरी अपनी तरफ से जांच कर रही है। मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि गलत जाँच किसी गलत नहीं, आप सब लोग बात करो कि देखियो ये जो हमारा संविधान है ना, ये हमको धर्म निरपेक्षता और सामाजिक समरसता ये सिखाता है। लेकिन जब आप उसी में कांग्रेस पार्टी चली गए और उसी से सरकार करूँ, सबने विश्वास कर लिया था चली है, तो निश्चित रूप से देखिए घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसमें भी आप और आने लगे मिले मिले। लेकिन कहीं भी कोई गलत मन गलत कोई बात नहीं हो, ये बात हमारे सबकी मांग है कि और आप सब आराम से सामाजिक समरसता बनाना हमारा सबका काम है, और आप सरकार से पूरा भरोसा कर सकते हो। मैं ये कहता हूँ गलत नहीं, आप चिंता न करें, आरोप लगाने से कोई कसको नहीं रोक सकता, एफ आई आर दर्ज कराने से जांच होगी, सही और निष्पक्ष जांच होगी, सही और निष्पक्ष जांच होगी। ये बात हाँ।